और हमारी सहयोगी सरिता नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सरिता, सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे इस वक्त क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? यहाँ पर सुबह से ही काफी उत्साह है, लोग बड़े ही उत्साह में आके वोटिंग करें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सपा के कैंडिडेट सुनील चौधरी जी, वो भी अपने मतदान का प्रयोग करने आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज सर फैसले का दिन है, आज जनता फैसला करेगी कि वो किसे वोट करेगी, आपको क्या लगता है? जनता सही और गलत का फैसला करेगी, जनता विकास को वोट देगी। आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो 5 साल विकास कराया उसका वोट देगी। नोएडा में बहुत विकास कराए हैं, देख लीजिएगा इस बार नोएडा के अंदर भी साइकिल चलेगी। जनता का कहना है कि पिछले 5 सालों में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जिसके बल पर वो इसी सरकार को और आगे बढ़ाए, तो क्या कहना है आप? ये जनता कहना नहीं, आपका कहना है, मैं आपके यहाँ बिल्कुल नहीं हूँ। नोएडा के अंदर मेट्रो आ गई, इंडस्ट्री आ गई, मल्टीनेशनल कंपनी आ गई है, हाईवे आ गए हैं, एलिवेटेड रोड आए हैं, तो आप कैसे कह रहे हो जनता कह रही है? देखो जनता गुमराह मत करो, आप जनता गुमराह कर रहे हो, जनता को सब पाया, काम बोलना है जनता का। अखिलेश यादव जनता से बात क्यों नहीं कर मेन आपका जो क्या ऐसा टारगेट रहेगा कि उस मुद्दे को लेकर आप मैटर है, बड़ा गंभीर मैटर है, सब नोएडा में फ्री होल्ड कराएंगे सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो जो वोटर हैं वो काफी उत्साहित हैं, आप देख सकते हैं अपनी आईडी लोग हाथों में लिए हैं और वोटिंग के प्रति कितना उत्साह इस वक्त इनका देखने को मिल रहा है। लोग अपने कामकाज छोड़कर अपने घरों से बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस पर्व में सभी चाहते हैं कि वो अपनी हिस्सेदारी को पूरी तरह से निभाए। और आप देख सकते हैं पश्चिमी यूपी का जो रण है वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है, सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला जारी है। और राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, अगर राजधानी लखनऊ की हम बात करें तो इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? मनीष, तो पश्चिमी यूपी से चुनाव का आगाज आज शुरू हो चुका है, वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, सभी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह कई पोलिंग बूथों पर काफी भीड़ भी देखने को मिली, बुजुर्ग भी अपने घरों से निकल रहे हैं, दिव्यांगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये मेरठ की तस्वीरें हैं जहां पर बुजुर्ग मतदाता भी किसी से कम नजर नहीं आ रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी आप देख सकते हैं चाक चौबंद नजर आ रही है, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो पश्चिम का रण काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है, कई दिग्गजों की किस्मत इस वक्त दांव पर नजर आ रही है। मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ गए। मनीष, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें, क्योंकि आज तो चुनाव लखनऊ में नहीं है, लेकिन राजधानी लखनऊ में इस वक्त क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से पूरी जो सियासी गहमागहमी है इस समय सभी के नजर जो है वो वेस्टर्न यूपी पे आज जो चुनाव मतदान पड़ रहा है उसके ऊपर है। सभी चाहे नेता हो चाहे प्रत्याशी हो, सबका रुझान सबकी बात यही निकल कर आ रही है। जो पश्चिम यूपी में आज पहले चरण का मतदान होगा उसके बाद ये लगभग पिक्चर साफ हो जाएगी कि मतदाता किस तरफ झुक रहा है, मतदाता का रुझान किस तरफ है। अभी तक की जो हालात रहे हैं, कल शाम तक ये गहमागहमी रही, किसी को भी ये नहीं कन्फर्म था कि मुस्लिम मतदाता किसके साथ जा रहा है, चाहे सपा की बात करें, चाहे बसपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें। सभी प्रत्याशियों में इस बार का चुनाव बहुत ही ट्रायंगल है, किसी को कुछ नहीं अंदाजा है कि इस बार सत्ता किसको मिल सकेगी। पिछली बार के जो भी विधानसभा चुनाव थे, चाहे 2012 के बात करें हम, चाहे 2007 की बात करें स्वाति, उस समय लगभग पिक्चर साफ हो जाती थी कि इस बार सत्ता में ये पार्टी भारी बहुमत से आएगी या इसके जीत की संभावना ज्यादा है। लेकिन इस बार की पिक्चर, जैसा कि सपा और कांग्रेस में गठबंधन होने के बाद से पिक्चर बदल चुकी है, बसपा भी अभी तक अपने को नहीं पूरी तरह से उसके अंदर ये नहीं कन्फर्म कर पा रही कि हम कितनी सीटें ला पाएंगे। भाजपा की भी जो भाजपा खत्म हो चुकी थी लगभग, कहीं ना कहीं पूरी पिछली अगर हम बात करें सपा और बसपा में एक वो था
प्रतिद्वंदिता की चल रही थी, लेकिन अब भाजपा भी बीच में शामिल हो गई और कांग्रेस जो 27 साल से सत्ता से दूर थी वो सपा में गठबंधन करने के बाद एक बार फिर उसकी भी जीत की संभावनाएं बढ़ गई। उसके भी प्रत्याशियों में एक बार फिर उम्मीदें जग गई हैं कि इस बार की वो सत्ता में काबिज हो सकते हैं। इस बार बड़ा ही त्रिकोणीय मुकाबला है स्वाति, इसलिए जो वेस्टर्न यूपी का आज जो मतदान पड़ रहा है ये शाम तक पिक्चर साफ हो जाएगी कि आखिर भाजपा इसमें आगे बाजी मार रही है, बसपा मार रही है या सपा मार रही है। उसके बाद जब लखनऊ का दूसरे चरण का मतदान शुरू होगा, जब जिलों और जिलों में मतदान शुरू होगा, तो वहां पर मतदाता अपने को ये देख सकेगा कि जो पश्चिमांचल में जो वोट पड़े हैं वो किस पार्टी को आगे रख रहे हैं, उसी के आधार पर अब आगे के जो दूसरे चरण के मतदान होंगे उसमें वोटर्स अपने एक कहीं ना कहीं स्थिर समझेगा कि हम बसपा को वोट दें या सपा को वोट दें। जी स्वाति, बिल्कुल मनीष, सभी पार्टियों के लिए ये जो रण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर खासतौर से बात करें बीएसपी के लिए तो ये मायावती और उनकी पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह भी साबित होगा। हालांकि तमाम पार्टियों के लिए चुनाव इस वक्त चुनौती भरा हुआ है क्योंकि तमाम जो दिग्गज हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और जो मुकाबला है वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं बहुत रोमांचक होता जा रहा है। जी स्वाति, देखिए इस बार जैसे वेस्टर्न यूपी में जो चुनाव हो रहा है उसमें राजनाथ के बेटे पंकज सिंह भी भागीदारी कर रहे हैं, पहली बार विधायकी लड़ रहे हैं। वहां पर जैसे शामली में जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए उसके बाद संगीत सोम जैसे लोगों की बात हो रही, सुरेश राणा की बात हो रही है, ये ऐसे तमाम चेहरे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं उनकी भी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। ये सभी ये नए चेहरे तमाम हैं जो वेस्टर्न यूपी में इस बार की जो है उनके लिए प्रतिद्वंदता उनकी जो है दांव पे लगी हुई है। शाहिद मंजूर जो सपा के मंत्री रहे हैं वो भी इस बार के चुनाव में जो 73 सीटों पे मतदान आज हो रहा है उसमें उनकी किस्मत आजमा रहे हैं। ये तमाम जो है कई दिग्गज इस रण में उतरे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के दामाद भी इस बार विधायकी लड़ रहे हैं वेस्टर्न यूपी से। तो आज का जो मतदान है, मतदान होने के बाद शाम 5 बजे तक ये रुझान सामने आ जाएगा कि मतदाता किस तरफ ज्यादा झुक रहा। हालांकि जो फाइनल निर्णय है वो तो 11 मार्च को ही पता चल पाएगा कि किसको मत ज्यादा मिले या मतदाता किसकी तरफ ज्यादा झुके हैं, लेकिन जो भीड़ होगी जिस तरफ समूह बढ़ेगा लोग उससे अंदाजा लगा लेंगे कि इस बार बसपा आगे आ रही है या सपा आ रही है या कांग्रेस का गठबंधन लेने के बाद जो है सपा मजबूती से आ रही है या आरएलडी को कितनी सीटें मिलती हैं। पिछली बार की अगर हम सीटों की बात कर लें तो लगभग 24 और 23 पे सपा बसपा थी और 9 आरएलडी के पास थी, लेकिन इस बार की जो अभी तक के जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर आ रही है कि आरएलडी हो सकता है जाट वोटों को लेकर के कुछ अपनी सीटों में इजाफा कर सके और वो 9 से बढ़कर के हो सकता है 15 से 20 तक फीसदी तक ये आंकड़ा पहुंच जाए। जैसे ही आंकड़ा बढ़ता है उसके बाद समीकरण बदल जाएंगे, सत्ता किसके हाथ में जाती है ये सभी चरणों के चुनाव जब हो जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाएंगे उसके बाद किस तरह का गठबंधन बनता है, बसपा के साथ कांग्रेस आती है, कांग्रेस सपा का साथ छोड़ करके किसी और के साथ गठबंधन बनाती है, ये सारी पिक्चर 11 मार्च को ही क्लियर हो पाएगी स्वाति। अभी लेकिन आज जो पहले चरण का मतदान हो रहा है उससे इतना साफ हो जाएगा शाम तक कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उस पे किस दल का कब्जा होने जा रहा है, ये लगभग पिक्चर थोड़ी बहुत साफ हो जाएगी शाम तक।